हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्तल की और नूतन प्रकाशन की बुक है, अध्याय नंबर पढ़ा रहा हूँ आपको दूसरा, अम्ल क्षार व लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स आपको अपलोड किए थे वीडियो, आपको इसके पहले आपको मैंने आपको बताया था साधारण नमक या साधारण लवण या कॉस्टिक सोडा आपको पढ़ाया था, तो आज मैं उसके आगे कंटिन्यू बताऊंगा, तो आप लोग देख लीजिए। और अभी भी आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं आगे आज आपको कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो देखते हैं, दिखाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, आपका टॉपिक है आपके पास आज धावन सोडा। धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, जो लोग हम लोग यूज करते हैं कपड़े धोने पे या क्लीनिंग करने पे सोडा यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका नाम रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए, लिखा है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका होता है हमारा धावन सोडा का रासायनिक नाम। और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O, जो होता है इसका अणुसूत्र। और अणुसूत्र के साथ साथ आप लोगों को बताते हैं हम इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अणुभार निकालना, जैसे लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O, ये लिखा हुआ है। सोडियम का होता है हमारे पास 23 और इस पे चार्ज लगे हुए हैं 2, प्लस कार्बन का होता है अणुभार 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 3, प्लस 10 हाइड्रोजन का होता है 1 और इंटू में 2 प्लस के 16, तो जाएंगे 23 दूना हो जाएंगे 46, प्लस के 12 प्लस के 16 तो 48, प्लस के 16 और 2 जाएंगे 18, दाम हो जाएंगे 180, 8 2 10 6 16 की 6, 8 4 12 12 1 13 13 4 17 17 और 1 18 1 और 1 2 तो 286 हमारा आ जाएगा इसका अणुभार। आप लोग यहां से मैंने आपको बता दिया तो आ जाएगा हमारे पास 286, हमने यहां पे भर दिया, ठीक है। जो कि आपका अणुभार निकल आया आपके पास, देखिए लिखा है प्रयोगशाला विधि बनाने की विधि या प्रयोगशाला में बनाने की विधि या निर्माण विधि, सारी हमारी एक ही होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही याद रखना है, आपको आपकी स्क्रीन पर जो चीज दिख रही है, ठीक है। अब देखिए प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, कैसे कि फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा NaOH विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तथा सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त होता है, तथा सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? सोडियम कार्बोनेट का हमारा जो जली विलयन होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे? लिखा है कॉस्टिक सोडा NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो लोग हम लोग जो छोड़ते हैं गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चेंजेस टू रिएक्शन में अभिक्रिया होगी तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है और H2O हमारा जल बनता है। तो नीचे आपको लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या चीज से क्या, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रयोगशाला विधि आप लोग को दिख रही होगी पूरी, ठीक है। अब देखिए आगे फिर लिखा हुआ है उपरोक्त विलयन का सांद्रण, क्या? उपरोक्त विलयन का सांद्रण करने तथा उसके उपरांत विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल Na2CO3.10H2O प्राप्त हो जाता है। इसी को अगर हम पुनः ठंडा कर देंगे तो हमको क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे हमारे रिएक्शन लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? Na2CO3 प्लस H2O को जब ठंडा करने पर ठंडा कर देते हैं तो हमें क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है, मतलब धावन सोडा हमको मिल जाता है Na2CO3.10H2O, ये मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंसी बराबर नहीं है, Na2CO3 इधर है एक है, यहाँ 10H2O, तो मतलब यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से।
ठीक है। अब इसके आगे आते हैं आपके भौतिक गुण। आप लोग देखिएगा भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुण लिखे हुए हैं आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और इनको देख सकते हैं। लिखे हुए हैं सोडियम का भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिखा एक नंबर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। इस दूसरा, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये किस पे जब गलता कब है हमारा वाशिंग सोडा, 850 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट देते हैं तब हमारा ये गल जाता है, मतलब इसका गलनांक हो जाता है। ये जल में क्या है, विलेय है, जल में विलेय पदार्थ है और ये जल में विलेय भी होता है। आपको तीसरा पॉइंट लिख दिया गया। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपके सामने ये लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज में, पहला है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा से हमारी रिएक्शन कैसे होती है, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर इसके क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है तथा Na2CO3.H2O बनता है। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम गर्म करेंगे वाशिंग सोडा को, तो हमें शुष्क हवा में छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर, तो हमें सोडियम कार्बोनेट की जल के रूप में क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और हमें वाटर अलग हो जाता है हमारा। इसी की दूसरी रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, नीचे लिखा हुआ है, अधिक गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है जिसे सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस। तो लिखा हुआ है Na2CO3.H2O को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O बाहर हो जाता है। जी हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन नंबर फर्स्ट। अब आपको दिखाते हैं क्योंकि आगे देखिए, एक सेकंड रुकी एक आज, ये देखिए आपके पास सेकंड, आपको ये बता रहे हैं, ये लिखी हुई है आपको दूसरी रिएक्शन है आपके पास रासायनिक गुण में। क्या लिखा, कार्बन डाई CO2 से के साथ अभिक्रिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हमको क्या मिलेगा, बनता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे, लिखा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। कैसे बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 लिखा होता है, H का मतलब होता है बाई, CO3 का मतलब कार्बोनेट और Na का मतलब सोडियम। और इधर हमारा सोडियम बैलेंस कर लेंगे, दो सोडियम इधर है और हमारे दो कार्बन इस तरफ है, एक और एक दो, ऑक्सीजन तीन और एक चार और दो छह है, तो तीन दूना छह और हमारा पास क्या हाइड्रोजन हो गए दो। देखिए बराबर रिएक्शन लिखी हुई है दोनों तरफ। अब दूसरी लिखी हुई है अम्लों से क्रिया, थर्ड नंबर पे आप लोग देखिए लिखा हुआ है अम्लों से क्रिया क्या होगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अम्लों से क्रिया क्षारीय होने के कारण यह क्या, हमारे जो एसिड होते हैं उनसे हमें रिएक्शन करने पर सोडियम कार्बोनेट से क्या मिलता है, क्षारीय होने के कारण यह अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनाता है। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, कितने पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। उदाहरण जैसे सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से गर्म करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अवक्षेपित हो जाती है। ये हो गया हमारा क्या, सोडियम कार्बोनेट मतलब हमारा धावन सोडा का रासायनिक शोध। आप इसके उपयोग हम उपयोग कहाँ करते हैं आप लोग को वो दिखा देते हैं। देखिए लिखे हुए हैं बहुत आसान तरीके से आपको उपयोग लिखे हुए हैं, उपयोग मतलब यूजेज, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है हमारा,
दूसरा लिखा है कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में। हम लोग वॉशिंग सोडा जब कपड़े अपने क्लॉथ बहुत गंदे हो जाते हैं तब यूज करते हैं, वहां पे जो पाउडर डालते हैं वो ही हमारा वॉशिंग सोडा होता है। ठीक, अब इसके बाद खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में जो हम लोग खाने वाला सोडा एक बनता है उसको भी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा लिखा है कांच तथा कागज उद्योगों में, जहां पर हमारे कांच का काम होता है और कागज की जो फैक्ट्रियां मिल्स लगे होते हैं वहां पर भी हम इसका हम धावन सोडा का यूज करते हैं। फिर लिखा रंजकों मतलब डाइस, डाई डाई बनाने के काम में भी हम इसको करते हैं। फिर लिखा आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो हमारे पास फायर के जो सिलेंडर्स होते हैं वाहन वाहन में, हम कंपनियों में, स्कूल में, कॉलेज में, अच्छे हर एक जगह पे लगे होते हैं छोटे बड़े एक साइज में, उस पे जो पाउडर भरा होता है वो भी हमारा क्या होता है, धावन सोडा होता है। ठीक है, तो जहां पर आग लग जाती है तो भाई हमारे फायर ब्रिगेड वाले वो लेके उस पाउडर को डालते हैं तो आग हमारी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से आग बुझने पे हम उस पे काबू पा लेते हैं। तो जी हो गई हमारी क्या आग बुझाने के उपयोग, जो हो गया आपका धावन सोडा। आपको इस वीडियो में एक ही टॉपिक बताया जाएगा क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड होंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप लोगों को वहां से आपको SMS के थ्रू, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, नए जोश नई एनर्जी नए साथ साथ, बाय बाय।